नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किस तरह से पता करेंगे कि हमारा ईमेल जो है किन किन मोबाइल में लॉगिन हुआ है। अगर हुआ रहेगा तो यानी उस दूसरे वाले मोबाइल में से अपना ईमेल किस तरह से हटाएंगे खुद ही। तो देखने के लिए दोस्तों आपको जीमेल का ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और जस्ट नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से रहेगा। तो नीचे जाने के बाद एक सेटिंग ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर ईमेल आपका खुल कर आ जाएगा। जिस ईमेल का अपना देखना चाहते हैं किन किन मोबाइल में लॉगिन हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है और जस्ट इस तरह से आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैनेजर योर गूगल अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। और जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर कुछ यहाँ पर सर्च ले रहेगा और इस तरह से आने के बाद दोस्तों थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना है और थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आने के बाद थोड़ा नीचे आना है दोस्तों और टू स्टेप वेरिफिकेशन अपना लगा कर रखना है दोस्तों। और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन यानी रियलमी C12 दिखाई दे रहा है और वीवो दिखाई दे रहा है, यानी दो मोबाइल में ये मेरा जीमेल लॉगिन हुआ है। तो यानी कि हटाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कब लॉगिन हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और जस्ट थोड़ा सर्च चले रहा है और इस तरह से आने के बाद देख सकते हैं ऊपर दोस्तों यहाँ पर रियलमी C12 है, बिहार से इंडिया है और एंड्रॉयड मोबाइल है। और यहाँ पर वीवो दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, वीवो मोबाइल 34 मिनट पहले यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। अगर चाहते हैं ये तो मेरा रियलमी C12 मोबाइल है और वीवो है दूसरे का मोबाइल है, तो अपना दूसरे मोबाइल में से अपना जीमेल हटाने के लिए इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे इधर बॉर्डर है, इस बॉर्डर के अंदर पर कहीं भी क्लिक कर देना है, तो तीर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और जस्ट यहाँ पर कुछ इस तरह से आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये कहाँ के है, फाइंड हम लोकेशन यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर चाहते हैं हटाने के लिए दोस्तों तो यहाँ से सिंग आउट पर क्लिक कर देना है दोस्तों और इस तरह से सिंग आउट पर इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों और थोड़ी देर में यहाँ पर ओके कर देना है दोस्तों। और देख सकते हैं यहाँ से हमारा थोड़ा सर्च ले रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर वो मोबाइल वाला यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, वीवो मोबाइल और लॉगिन नहीं हुआ है और यहाँ पर नीचे रिजेक्ट में दिखाई दे रहा होगा, यानी कि रिजेक्ट हो गया है, यानी कि हट गया है उसके मोबाइल में से जीमेल। तो आप लोग इसी तरह से पता कर लेंगे दोस्तों और इसी तरह से हटा लेंगे दोस्तों और टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा लीजिएगा दोस्तों, कोई भी आपको पासवर्ड भी पता कर लेगा तो आपका लॉगिन नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं लगाना आता है दोस्तों तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ इस वीडियो को, जाकर उसे आप देख लीजिएगा दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक और चैनल पर नए तो चैनल पर दीजिए सब्सक्राइब और ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद।